हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। फिर से एक नया वीडियो के साथ चलिए किचन में चलते हैं और क्या बना रहे हैं आप लोगों को दिखा। तो गाइस मैं किचन में आ गई। इधर मैंने बहुत सारा साबूदाना लिया और साबूदाना को मैंने भिगो के रखा था, मतलब जैसे हम राइस धोते हैं ना वैसे धो के पूरा पानी निचोड़ के उसको ढक के रख देने का। मैं रात को भिगो के रखा था तो साबूदाना अच्छे से भीग के सॉफ्ट हो गया। आज मैं साबूदाने का बड़ा बनाने वाली हूँ। इस तरह से अच्छे से भीग गया एकदम। तो बाकी मसाला, इधर मैंने बहुत सारा अदरक लहसुन हरी मिर्ची लिया, ये मैं पेस्ट बनाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ, मुझे सुबह चाहिए तो मैं अभी पीसूंगी तो इसमें भी हो जाएगा, थोड़ा सा मैं सुबह के लिए भी काम इजी हो जाएगा। इधर मैंने मसाला अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट और धनिया और पुदीना एक चटनी बनाऊंगी और इसमें यूज़ के लिए चाहिए मुझे। साबुदाने का बड़ा बना रहे तो आलू तो ज़रूरी है, तो दो आलू मैंने बॉयल करके स्किन निकाल के रखा है। और इधर मैंने थोड़ी सी सेंग दाना भी भाजने के लिए रख दिया क्योंकि सेंग दाना गर्म होगा। तो ये हो गया, गैस को ऑफ कर देंगे। सबसे पहले मैं चटनी पीस लूँगी या जो भी मसाला ऐड करेंगे वो कर लेंगे। तो सबसे पहले चटनी पीस लेते हैं और मसाला पीस के रेडी कर लेते हैं। तो गैस मसाला मैंने पीस लिया, अभी इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और नमक भी डालेंगे। ब्लैक सॉल्ट डालने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, तो दोनों मिक्स करेंगे। इसमें डाल दूंगी नमक, आप अपने स्वाद हिसाब से ऐड कीजिए। इसमें मैं ऐड करूंगी एक चम्मच भर के चाट मसाला, इसमें मैं ऐड करूंगी आधा चम्मच जितना जलजीरा पाउडर, इसमें ऐड करूंगी मैं एक चम्मच भर के गरम मसाला, इसमें मैं ऐड करूंगी आखा जीरा दो चम्मच जितना, इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर एक चम्मच, मैं हल्दी पाउडर डालूंगी एकदम थोड़ा सा, जस्ट हल्का लाइट कलर आ जाए। इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर एक चम्मच भर के, आप जिस तरह का तीखा खाते हैं आपके बच्चे खाते हैं वो हिसाब से। और इधर जो मैंने अभी चटनी पीसा है, मैं अखा धनिया पुदीना नहीं ऐड करूंगी, ये जो मैंने चटनी पीसा है ये मैं दो चम्मच जितना ऐड करूंगी। इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। अगर आप उपवास में खाते तो थोड़ा सा लहसुन और ये निकाल दीजिए, बाकी आप सारा कुछ सेम बना सकते हैं। और इसमें डाल देंगे आलू बॉयल किया हुआ। उपवास का बनाते हैं तो लहसुन नहीं, बाकी अदरक मिर्ची मसाला जो भी कुछ है आप डाल सकते। ज़्यादातर साबूदाना उपवास में खाते, ऐसे भी खाते, आपके बच्चे अगर टिफिन में पसंद करते हैं आप उसमें भी दे सकते हैं। इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करके अच्छा से दबा के मिक्स कर लेंगे तो थोड़ा सा जो दाने दाने हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सब कुछ बराबर है। अभी सेंगदाना को थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया। सेंग दाने को मैंने इस तरह से दरदरा सा कर लिया, अभी ये डाल देंगे। सेंग दाना थोड़े मोटे मोटे रहेगा ना तो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। आप चाहे तो थोड़ा सा बारीक करके भी दे सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अभी इसमें और कुछ भी मिक्स करने जैसा नहीं है, अभी बड़े बना लेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, ये ऑप्शन है, पर ये डालेगा ना थोड़ा सा जैसा चिपकने की डर रहता है वो नहीं रहेगा, एकदम अच्छे से एकदम खिले खिले बड़े बनेंगे। अभी ये हो गया, मैं थोड़ी सी काम भूल गई, हींग। मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी, ये ऑप्शन है, आपको चाहिए तो आप डालिए, पर हींग थोड़ा सा डालेंगे तो
अच्छा है साबूदाना, किसी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डाइजेस्ट में, तो हींग थोड़ा सा डालिए। तो गाइस मैंने दो चार बड़े बना भी लिया और इधर और थोड़ा सा है, मैं पहले थोड़े बना लूंगी, एक साथ नहीं बनेगा, थोड़ा सा पहले तेल हाथ कर ले और उसके बाद सारे बड़े। जैसा आप जैसा बड़े छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये लीजिए साबूदाना, उसके बाद थोड़ा सा हाथ में तेल लगाइए और इस तरह से प्रेस करके बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कर सकते। सब बड़े बन गए, अभी इसको फ्राई करना है, तो इसको चढ़ा देते कढ़ाई में तेल, फिर फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया, अभी साबूदाना एक एक करके डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने मेरे हिसाब से डाला है, आपको कम ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते। अच्छे से लाल करके इसको फ्राई कर लेते। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत ज्यादा फास्ट या स्लो नहीं रखा, मीडियम रख के इसको अच्छे से पका लेंगे। तो एक साइड अच्छे से लाल हो गया, अब इसको पलटी कर लेते हैं। बिल्कुल भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त बने हैं। इसको दूसरी साइड भी थोड़ा सा लाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा, बहुत से लोग ना डर के मारे बोलते हैं तेल में ज्यादा फ्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा तेल अब्सॉर्ब करेगा, पर इस तरह से बनाएंगे ना इसमें तेल भी ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इस तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर अच्छे से गोल्डन कलर आ गया, इससे ज्यादा इसको बहुत ज्यादा लाल नहीं करेंगे। अभी इसको निकाल लेंगे और दूसरी बैच में मैं बना लूंगी। देखिए क्या मस्त कलर आया, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है। इसको निकाल लेते और दूसरा बैच भी मैं रेडी कर लूंगी। उसके बाद प्लेट में डाल के सजा लेंगे। तो गाइस बड़े हमारे पूरे पान के रेडी हो गया, अभी प्लेट पे डाल के सजा लेंगे। तो गाइस आप लोगों को अगर साबुदाने का बड़े का रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। आज के लिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।